कौन सा ऐसा वर्ड है जो एब्रोगेट शब्द के बहुत ही ज्यादा क्लोज है? इसका जवाब आप कमेंट करके दें। जिज्ञासा, आपकी जो सिस्टर है स्कूल के गेट के पास रो रही है क्योंकि इसका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो चुका है। यहां पर आप एक फिगर देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 कश्मीर में काम करता था जिसे भारत सरकार ने इसे अब खत्म कर दिया है। तो इसके लिए एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं एब्रोगेट, जो कि एक वर्ब है और इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि आप किसी भी चीज को ऑफिशियली क्या करते हैं, पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। किसी कानून को या किसी एग्रीमेंट को आप बहुत ही लीगल तरीके से खत्म कर देते हैं, तो उसके लिए हम लोग एब्रोगेट शब्द जो है वो इस्तेमाल क्या करते हैं। इसके साइनोनिम्स की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो हम इसे रिपील कह सकते हैं, कैंसल कह सकते हैं या अबोलिश कह सकते हैं। वहीं अगर हम इसके एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड्स के बारे में बातचीत करें तो आप इसमें अप्रूव कह सकते हो, इसका जो अपोजिट वर्ड होगा अप्रूव हो सकता है, या तो फिर अलाउ हो सकता है, या तो इसका जो अपोजिट है वो फिक्स भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है। तो इसके सब ये क्या है, अपोजिट वर्ड्स हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो एग्जांपल्स में जैसे कि आप देखें, द जज एब्रोगेटेड अ लॉ, द रिजल्ट हैज बीन एब्रोगेटेड बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब सवाल ये आता है कि इस वर्ड को हम पूरी जिंदगी भर के लिए कैसे याद रखें। सो आप फिर से स्टोरी को रिपीट कीजिए कि आपकी जो सिस्टर है इस स्कूल गेट के सामने रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि इसका एडमिशन कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रो रही है कहां पर? गेट के पास। कहां पे रो रही है? गेट में, गेट के पास रो रही है। क्यों रो रही है आपकी सिस्टर गेट के पास? क्योंकि उसका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो चुका है। तो गेट के पास रो रही है क्योंकि उसका एडमिशन कैंसिल हो गया है। तो अब आपको याद रहेगा एब्रोगेट, एब्रोगेट में आपका गेट छिपा हुआ है, तो एब्रोगेट से आपको याद रहेगा कैंसिल हो जाना या रद्द कर देना। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि इससे हमने एक कोड बनाया रो गेट से, रो और गेट, यहां से हमने क्या कर लिया, एक की बना लिया और एक स्टोरी के माध्यम से इसे आप